सुबह उठते साथ ही टीथ ब्रश, आज का सफर जरा दूर का है तो शूज पहन लेते हैं, लेकिन उससे पहले यही फटी हुई जुराबे, लेकिन इनको छुपाना बचपन से आता है। थोड़ी तबीयत खराब है और सफर सुकून का चाहिए, इसीलिए टाइम से नाश्ते के साथ दवाई भी खा लेनी चाहिए। देखने से तो बीमार लग ही रहा हूँगा, नहीं लग रहा चलो खैर है, लेकिन बीमारी का असर लगता है बालों पे हो गया। इससे पहले मजीद बीमार हूँ खुद को कवर कर लेता हूँ अपर से, बाकी जरूरत पड़ने पे डॉक्टर से नहीं पैनाडोल से रुजू करूंगा। इतनी हिदायत काफी है, चलो चलते हैं भैया। बाहर के हालात देखें, अब यहाँ मेरे खुद के साथ ही हो जाता है प्रैंक। मैंने सोचा था चलो एक शॉट ले लूंगा दरवाजे का, लेकिन वो तो मुझसे लॉक हो गया, जिसकी वजह से मुझे बाहर बैठ के इंतजार करना पड़ा। थोड़े ही इंतजार करने के बाद आगे हादी भाई और हमारा प्लान लाहौर से सरगोधा का था। रास्ते में हमने कुछ ताजा माल्टे भी खाए और आगे जाकर कुछ थोड़ी देर बाद हमने एक ढाबे पे स्टे किया, जहाँ पे हमने नाश्ते का प्लान किया। उससे पहले मुझे आई थी बहुत तेज सीटी, तो मैं उससे हुआ फरी, और उसके बाद कश्ते में मजे मजे के पराठे और साथ ही चाय। यकीन मानो सारी थकावट उतर गई, बट अभी सफर बाकी था तो हमने लगाई लोकेशन और निकल पड़े मार्की की तरफ। फाइनली हम पहुंच गए मार्की, तो शायद इनके हाल से बड़ी इनकी पार्किंग थी। खैर हमने यहाँ पे की गाड़ी पार्क और इनकी एंट्रेंस भी बहुत खूबसूरत थी, बट अब हो गया था इवेंट स्टार्ट हमारा। एंडिंग कुछ खास नहीं, बट इस जूस पे कर लेते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।